दोस्तों कल न्यूज़ आई थी, इरफान खान जी हमारे बीच में नहीं रहे और आज ऋषि कपूर जी भी हमारा साथ छोड़कर जा चुके हैं। पता नहीं ये क्या चल रहा है, दोनों ही ब्रिलियंट एक्टर्स थे। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दें। बाकी अगर मैं बात करता हूँ आज की टेक न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पर पहली न्यूज़ है ओनर की तरफ से। मैंने आपको बताया था कि आपको ओनर X10 देखने को मिलने वाला है। अभी इस फ़ोन की कुछ और डिटेल भी सामने आ चुकी है। आपको यहाँ पर रियलमी प्राइमरी कैमरा मिल सकता है सोनी IMX600, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर होने वाला है। तो आप ये मान सकते हैं जो ओनर X10 आएगा ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन भी हो सकता है। अगली न्यूज़ है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस जेड आप सब जानते हैं जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। अभी इस फ़ोन की एक और इमेज सामने आ चुकी है। आपको यहाँ पर इस तरह का पंच होल डिस्प्ले मिलेगा जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था। तो दिखने में तो ये फ़ोन काफ़ी सही लग रहा है और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। लीक्स के अकॉर्डिंग ऑन पेपर ये फ़ोन काफ़ी सही लग रहा है। अब देखना यह होगा किस प्राइस पर ये फ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाता है, उसका हम वेट करते हैं। उम्मीद है 30 से लेकर 35,000 के बीच में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा अपडेट है व्हाट्सएप को लेकर। दोस्तों कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि व्हाट्सएप पे आपको एक अपडेट मिलेगा जहाँ पर आप मल्टीपल डिवाइस में सिंगल व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे। अब ये जो अपडेट है ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है अगर आप दो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और दोनों में आप सेम व्हाट्सएप चाहते हैं तो आप ईजिली यूज़ कर पाएंगे। बुरा इसलिए है इससे जो व्हाट्सएप हैक होने का खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो थोड़ा आपको अगर आप ये यूज़ करते हैं फीचर तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी अपने व्हाट्सएप की। बाकी देखना ये होगा व्हाट्सएप इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करता है। अगर यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन मिल गया कि हम खुद डिसाइड कर पाएँ कितने डिवाइस में व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर यहाँ पर कोई भी लिमिट ना रही तब मैं कहूँगा दिक्कत आ सकती है। तो वेट करते हैं अपडेट का, फिर हम देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है फीचर। नेक्स्ट अपडेट है गूगल की तरफ से। दोस्तों आप सब जानते हैं जो जूम मैप है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जो सारे ऑफिसेज वगैरह वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं तो ऐसे में जूम ऐप का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब गूगल ने क्या किया, गूगल मीट को बिल्कुल फ्री कर दिया। ये भी एक ऐप है जूम ऐप की तरह। यहाँ पर आप लाइव वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अब आपके पास एक और ही ऑप्शन आ चुका है लाइव वीडियो कॉलिंग करने के लिए जूम ऐप की जगह पर। अगला अपडेट है LG की तरफ से। दोस्तों आपने LG वेलवेट के बारे में मुझसे बहुत बार सुना होगा, अब इसकी एक लाइव इमेज भी सामने आ चुकी है। इस तरह का आपको मिलने वाला है LG वेलवेट। दोस्तों फ़ोन ये मुझे ऑन पेपर देखकर या फिर इसका डिज़ाइन देखकर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 765G, 5G का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा और बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी 4300 mAh की। ये बात भी कन्फर्म हो चुकी है, बस प्राइसिंग देखनी होगी क्या रहती है इस फ़ोन की। अगर ये आता है 32,000 के आसपास की रेंज में तब मैं कहूँगा मार्केट में तहलका मच सकता है LG ब्रांड को देखते हुए। बाकी देखते हैं क्या होते हैं आने वाले टाइम में। अगला अपडेट है एप्पल की तरफ से। दोस्तों ये आप सब जानते हैं जो भी नए आईफोन आए थे, फिर चाहे वो आईफोन की 11 सीरीज़ या फिर वो आईफोन की 10 सीरीज़, यहाँ पर आपको टच ID नहीं मिलता। यहाँ पर आपको मिलता है फेस ID, बस आपको यही यूज़ करना पड़ता है। तो अब क्या है कि सबको आजकल मास्क लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो फेस आईडी है वो ठीक से काम नहीं कर रही। इसके लिए iOS 13.5 का अपडेट आने वाला है आपके फ़ोन में। इस अपडेट के बाद आप मास्क लगाकर भी फेस आईडी को यूज़ कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। ये मैं कहूँगा एप्पल का बहुत ही अच्छा अपडेट है, ऐसा अपडेट सबको देना चाहिए अपने डिवाइस में। अब हम बात करते हैं हुआवे के बारे में। हुआवे का एक और फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि फ़ोन रहेगा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की तरह। ये एक इमेज सामने निकल के आ चुकी है, मतलब आप ये मान सकते हैं हुआवे का फोल्डिंग फ़ोन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। बस अब देखना ये होगा प्राइस इसका क्या रहता है, क्या ये सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की तरह काफ़ी महंगा रहेगा या फिर थोड़े कम प्राइस पे हमें देखने को मिलेगा, ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में। अगला अपडेट है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि सैमसंग ने 600 MP के कैमरा सेंसर पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग आपको एक 250 MP का भी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा और ये सेंसर आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। जो 600 MP वाला सेंसर है उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन ये 250 MP दूर नहीं है। इससे पहले हम यूज़ कर रहे हैं सैमसंग का 108 MP वाला कैमरा जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर है। मैं यूज़ कर चुका हूँ मी नोट 10 में, बहुत अच्छा ये परफॉर्म करता है। अब देखते हैं इनका 250 MP कैसा परफॉर्म करेगा, उसका हम वेट करते हैं। अब हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में जो कि है Xiaomi या फिर आप कह सकते हैं पोको की तरफ से। आपको Redmi के 30i देखने को मिलने वाला है, ये मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था। अब बड़ी बात यह है कि इस फ़ोन में आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाएगा।
ये रहेगा चीपर वेरिएंट रेडमी K30 5G का। रेडमी K30 5G में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 765G और ईयर में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइमरी कैमरा लिक्स के अकॉर्डिंग 48 मेगापिक्सल का। टेना सर्टिफिकेशन पे ये फ़ोन लिस्ट हो चुका है, तो आप ये मान लो जल्दी आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया में ये फ़ोन पोको X2 प्रो के नाम से लॉन्च किया जाएगा और ये रहेगा एक 5G स्मार्टफोन पोको की तरफ से इंडियन मार्केट में। बस अब प्राइसिंग देखनी होगी क्या रहती है इस फ़ोन की और प्रोसेसर यहाँ पर आपको कौन सा देखने को मिलता है, क्या वही मिलेगा स्नैपड्रैगन 765G या फिर मिलेगा मिरेटेक कोई प्रोसेसर, ये रहेगी देखने वाली बात। और क्या प्राइस पे ये फ़ोन लॉन्च किया जाएगा, मुझे लगता है पोको X2 प्रो या फिर रेडमी K30i इंडिया में टक्कर देगा रियलमी X3 को, जो कि आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। प्राइसिंग भी इसकी उसी के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है, 20-22 हज़ार के आसपास एक तो ये टक्कर देगा। दूसरा आएगा इसी प्राइस सेगमेंट में मी 10 सीरीज का कोई ना कोई स्मार्टफोन, तो इन तीनों स्मार्टफोन्स में पूरी टक्कर होने वाली है, मी 10 यूथ, रियलमी X3 और पोको X2 प्रो। आप इनमें से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करोगे ऊपर पोल में आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है IPS LCD पैनल, AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको नहीं मिलने वाला लीक्स के अकॉर्डिंग। बाकी हम वेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे ही कुछ और कन्फर्म होगा इसको लेकर मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। Xiaomi की हम बात करते हैं तो Redmi Note 9, Mi Note 10 Lite ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं और इंडिया में भी आपको ये जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं Redmi Note 9 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको MediaTek का G85 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, साथ में फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, रियर में क्वाड कैमरा सेटअप है और प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 5020mAh की बैटरी और साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखते हैं इंडिया में ये फ़ोन किस प्राइस पर लॉन्च किया जाता है। उम्मीद है ये आपको इंडिया में 10-11 हज़ार की रेंज के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये फ़ोन इंडिया में टक्कर देने आ रहा है Realme Narzo 10 को, जहाँ पर आपको मिलने वाला है MediaTek का G80 प्रोसेसर, साथ में HD प्लस वाला डिस्प्ले। अब देखना ये होगा इन दोनों की प्राइसिंग में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उसका हम वेट करते हैं। अब जहाँ तक बात है Mi Note 10 Lite के बारे में, ये फ़ोन भी दोस्तों ऑन पेपर देखकर बहुत ही कमाल का लग रहा है। यहाँ पर आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 730G। अगर आपको लग रहा है कि ये फ़ोन इंडिया में Mi A4 के नाम से आएगा तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसका वेट मत कीजिएगा। ये Mi Note 10 Lite के नाम से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आप Realme 3 या फिर Realme 3i यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको Realme UI का फाइनली अपडेट मिल चुका है। अपडेट करो और मुझे बताओ यूज़ करके आपको Realme UI कैसा लगा। तो ये थे कुछ अपडेट्स आज के, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।